पोल्स पर आते हैं, राइट? एंड पोलर रीजन इज वेरी वेरी पोलर बियर्स दे अडैप्ट देमसेल्फ टू दी सम ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, एंड दीज आर दी अडैप्टेशंस। तो क्या क्या अडैप्टेशंस हमने पढ़ी थी पोलर बियर्स के लिए? Just raise your hands, beta. No collective answer. Vishav, पहले तो mask पहनो. So ये हमने पहली तीन कर ली थी, तो I'm just going to revise that. ठीक है? So they are having two thick layers of fur on their body. The first one is the hairs, ठीक है, hairs की जो outer layer है, और second is the layer of fat. इसको हम और क्या कहते हैं? Blubber. और ये दोनों क्या करती हैं? They act as the insulator and they don't allow the trapped heat to move out from their body. ठीक है, और जो फैट की लेयर है वो उनको और क्या प्रोवाइड करती है? सो व्हेन दे आर नॉट एबल टू फाइंड द फूड, ओके, सो दिस लेयर ऑफ फैट इट प्रोवाइड्स देम द न्यूट्रिशन आल्सो, ओके, सो दिस इज द टू पॉइंट्स, ठीक है, एक थिक लेयर ऑफ फर है और दूसरी थिक लेयर ऑफ फैट है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वाइट फर। जो पोलर बियर्स हैं उनकी जो फर है डैट इज वाइट एंड दैट हेल्प्स इन दी कैम्यूफ्लेजिंग प्रॉपर्टी। कैम्यूफ्लेज करना क्या होता है? अपनी सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाना, क्योंकि स्नो का कलर भी वाइट है और उनकी जो बॉडी है उसका कलर भी वाइट है, तो वो अपने आप को स्नो के साथ क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं, जिससे दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। They can hide themselves, they can protect themselves from the predators. Okay? और ये इसको किसमें help करती हैं? In catching the prey also. अगर उन्होंने शिकार करना है तो वो छुप जाते हैं, okay? And whenever the prey comes, they attack on them. Okay? Predator का मतलब पता चल गया और prey का मतलब पता चल गया? Okay. So next write down, ये हमने तीन points कर लिए थे, उसके बाद लिखिए। They have strong sense of smell. Write down the next point. They have strong sense of smell. Smelling power बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये prey को भी easily locate कर सकते हैं और predators को भी, okay? So they have strong sense of smell. So that they can locate and catch their prey. तो अपने शिकार को easily smell कर लेते हैं, ठीक है, और उसको easily catch कर लेते हैं with the strong sense of smell. Write down next. They have short
ears and tail. जो इनके कान हैं, जो इनके ears हैं, वो small हैं, short है, और इनकी tail भी जो है वो short है. Okay? अब ये क्यों short हैं? To prevent the heat loss from their body. Okay? ताकि जो heat है वो loss ना हो इनकी body से. ओके, टेल अगर लंबी होगी तो स्नो के साथ कांटेक्ट में आएगी एंड दे विल फील मोर कोल्ड. ठीक है, कोल्ड फील करेंगे स्नो के साथ, तो इसीलिए वो छोटी है ताकि वो उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, और दैट प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. दे हैव लॉन्ग, लंबे हैं, कर्व्ड हैं एंड शार्प क्लॉज. विच हेल्प देम टू वॉक ऑन द आइस. विच हेल्प देम टू वॉक ऑन द आइस. ठीक है जी, आइस में वॉक करने के लिए ये उनको हेल्प करते हैं. Ice, snow, कुछ भी लिखो. Why? Not writing anything. Long curved and sharp claws which help them to walk on snow or ice. लिख नहीं रहे. जिनकी बुक्स खुली है बेटा, बुक्स बंद रखा करो. आप उन्हीं से देख देख के बोलते हो फिर. हाँ जी, डन. नेक्स्ट राइट डाउन. दे आर गुड स्विमर्स. दे आर गुड स्विमर्स. स्विमिंग करते हैं. ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है उनको स्विमिंग करने की? है? बेटा जरूरत क्यों पड़ती है स्विमिंग की? और so we have studied that in the polar regions, ठीक है, कुछ टाइम 6 months के लिए बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, 6 months के लिए बहुत ज्यादा हॉट भी होता है. तो जब उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, see they are having two layers of fats, ठीक है, फैट की दो लेयर्स है उनकी बॉडीज पे. और वार्म डे पे उनको कितनी ज्यादा गर्मी लगती होगी, they will feel extreme hot on the warm days when there are sun. Okay, when the sun is shining or when they are in the warm climatic conditions. Okay, so they go for some physical activities like swimming. So physical activities करते हैं, swimming करते हैं, जिसके कारण वो अपनी body को क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसका temperature जो है वो कम रख सकते हैं. Okay, otherwise क्योंकि बहुत ज्यादा warm होने के कारण उनकी body के ऊपर दो layers भी हैं fat की, वो उनको ज्यादा उनकी body को क्या कर सकती हैं, heat up कर सकती हैं. So in order to avoid their body being getting heated up, okay, so that's why they go for some physical activities like swimming on the warm days, right? So you can write down they are good swimmers. This is the 7th point. Physical activities on the warm day, you can add on. Physical activities on the warm days make the polar bears on the warm days physical activities on the warm day make the polar bears
ऐसे लिखो, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द वार्म डेज विल हेल्प देम एड करो, दे आर गुड स्विमर्स वाइल स्विमिंग अंडर वॉटर दे क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स वाइल स्विमिंग अंडर वॉटर दे क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स and can remain there and can remain there for longer time. ठीक है, पानी में काफी देर तक वो रह सकते हैं. They are good swimmers. आगे next लिखो. ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में जाता है, 5 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है. ठीक है, अडैप्टेशंस के क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखना है. उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करो. देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज, देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज which not only help them in swimming, their paws are wide and large, जो उसको दो चीजों में help करता है, एक swimming में और एक walking में. ये आपने point में लिखना है, मैंने ऐसे ही एक side पे लिख दिया. That help them in swimming and walking on the ice, that helps them in swimming and walking on the ice, right? अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज फिजिकल एक्टिविटीज On the warm days, make the polar bears feel hot. Physical activities on warm days make the polar bears feel hot. हाँ वही बोल रहे हैं. आप ऐसे लिख लो ना इस पॉइंट को कि फिर इसलिए वो स्विमिंग प्रेफर करते हैं. दैट्स व्हाई दे प्रेफर स्विमिंग. आगे लिखिए, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज मेक देम फील हॉट सो दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग Write down the next point. The last point. They move very slowly and rest often. मतलब ज्यादा रेस्ट करते हैं और स्लोली स्लोली मूव करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेस्ट ऑफन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग उनकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है ना, ओवर हीट हो जाती है. दे रेस्ट ऑफन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग. अभी तो बताया दो फर की लेयर्स थी,
अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मूव करेंगे और रेस्ट कम करेंगे, तो वो जो दो लेयर्स हैं फर की, वो उनकी बॉडी को क्या कर देंगी, हीट अप कर देंगी। ठीक है, तो वो हीटिंग आपको कैसे अवॉइड करते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते हैं और रेस्ट लेते हैं। ओके, नाउ वी आर डन विद हाउ मेनी पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। अब जब आप पेपर में लिखते हो व्हाट मिस्टेक्स यू डू, दे आर गुड स्विमर्स, इतना पॉइंट लिखते हो आप, एंड यू डोंट एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट्स, दे आर हैविंग वाइट फर, उसके आगे कुछ नहीं लिखते हो। वाइट फर का यूज क्या है, हर एक चीज का आपने यूज जो है वो जरूर मेंशन करना है, ओनली देन द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन विल बी कंसिडर। हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट्स जितने पूछे उतने लिख सकते हो, ये सारी अडेप्टेशन है, यू कैन इंक्लूड एनी ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, बट जितने पूछे हैं उतने मेंशन करने हैं और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन जरूर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ओनली राइटिंग दे आर हैविंग वाइट कलर फर, दैट इज नॉट द कंप्लीट पॉइंट। ठीक है, वन लेयर ऑफ फैट इज देयर, दिस इज नॉट द कंप्लीट पॉइंट। तो आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये लिख देते हो आप, उसके बाद उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते हो कि वो स्मेल कहाँ पर वो यूज कर रहे हैं। हम तो अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी करते, पॉइंट्स विल बी मेंशन्ड बेटा, जितने मार्क्स का भी आएगा वो पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। अगर नहीं मेंशन किए हुए हैं तो यू कैन अज्यूम, अगर 3 मार्क्स का है तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, 3 पूछे हैं आपको 10 पॉइंट्स करवाए मैंने, वी डिड 10 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पूछे हैं 5 लिखो, ऑलवेज राइट डाउन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, अगर कोई पॉइंट गलत भी हो जाता है तो उसके साथ वाला कंपनसेशन में लिखा तो है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन, adaptations in case of penguins, adaptations in case of penguins, penguins they are also known as flightless birds, they have feathers but they don't fly, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। एंड दे आर फाउंड इन एंटार्क्टिक रीजन्स, ओके, दे आर फाउंड इन द एंटार्क्टिक रीजन्स, साउथ पोलर रीजन है ये, दिस इज द साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशंस बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट नहीं स्टार्ट हुआ है। पेंगुइन्स दे आर आल्सो नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स, दे आर फाउंड इन द एंटार्क्टिक रीजन, दैट इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ओके, पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द एंटार्क्टिक रीजन, दैट इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, रिमोट मीन्स यहाँ पे जो उनके प्रीडेटर्स हैं वो भी कम है। ओके, they are having very less predators in this area because this is a very remote area, okay, jahan par easily koi cheez nahi pahunch sakti hai, okay, that areas are the remote areas, ye south pole ka region hai, theek hai, bahut zyada south pole wala niche wala region hai, isliye isko hum kaun sa area kehte hain, remote area kehte hain, jahan par koi cheeze easily nahi ja sakti, to remote area hai, inke jo predators hai wo bhi bahut kam hai। ठीक है, इनपे शिकार करने वाले जो हैं वो कम हैं, क्योंकि ये साउथ पोल में है ना। ठीक है, अर्थ के साउथ पोल में है। राइट डाउन, ओके, क्या खाते हैं ये पेंगुइन्स, फिश, दे ईट फिशेस। ओके, अभी बस बता रही हूँ, जनरल इनका ओवरव्यू दे रही हूँ अभी। ओके, सो व्हाई दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स बेटा, दे कैन नॉट फ्लाई, क्यों नहीं फ्लाई कर सकते। हाँ जी बेटा, एक एक, ड्यू टू हैवी बॉडी, ओके,
They are very small wings. Okay. Or another reason is also this, that क्योंकि उनको fishes जो हैं वो easily मिल जाती हैं, so they don't find it as compulsory to fly and search for the food. ठीक है, क्योंकि fishes जो हैं उनको polar regions में easily मिल जाती हैं, इसलिए वो इतने कोशिश ही नहीं करते हैं कि वो fly करें, ठीक है, और अपने food को search करें. Okay, चलिए write down the first. Write down the first point. हाँ जी, what can be the first point? Write down. They are white in color. They are white in color. White color के होते हैं आगे आगे से. From the front side, they are white in color from the front. और इनके फीडर्स कौन से कलर के होते हैं? दे आर व्हाइट इन कलर विद ब्लैक फीडर्स और ब्लैक कलर फीडर्स ऑन देयर बैक. राइट, व्हाइट कलर किसके साथ मर्ज कर जाएगा? तो यू कैन एड ऑन द व्हाइट कलर, इट विल मर्ज विद द स्नो. तो वो स्नो के साथ हाइड कर जाता है बेटा, उसके फीदर्स ही है ना. ठीक है, फ्रंट बॉडी के साथ वो हाइड कर लेता है अपने आप को. ब्लैक कलर फीदर्स, ये सारा फर्स्ट पॉइंट में है, हमने यूज भी तो बताना है अपन दोनों का. ओके, आप हीट चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है. ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, पढ़ के आए ना हम. ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ओके, तो वो जो ब्लैक कलर है उनके फीडर्स का वो क्या करेगा, हेल्प किस में करेगा? टू एब्जॉर्ब द हीट, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, वार्म रख सकते. ओके, so you can write down the black color feeders, they will help in the, हाँ जी बेटा इसी में ही है, that helps in the absorption of heat. हमने दोनों के यूज भी तो बताना है. व्हाइट कलर कैमोफ्लेजिंग में चला जाता है, ब्लैक कलर जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन में जाता है. ओके, सो दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स देयर बॉडी टू गेट वॉर्म. ओके, एंड हेल्प्स देम इन गेटिंग वॉर्म. मास्क पहनो, ठीक है. अब मैंने सिंपल दो पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया है कि जो व्हाइट कलर है वो किस में यूज हो रहा है और जो ब्लैक कलर है वो किस में यूज हो रहा है. एंड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल्सो टू राइट डाउन द सेम इन द एग्जाम. सिर्फ पॉइंट लिखोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. They have thick skin and a layer of fat. They have thick skin. इनकी skin भी जो है वो क्या होती है? Thick है, मोटी है. And a layer of fat on their body. जिसको हम क्या कहते हैं? That we called as blubber below their skin. हाँ, outer layer जो है वो thick skin layer है, ठीक है, और inner layer जो है that is the layer of the fat. And both these layers they are present. One is the outer one and one is the inner one. ठीक है, a layer of fat under their skin. जैसे polar bears की थी. अब ये दोनों किस में help करेंगे उसको? न्यूट्रिशन एंड इंसुलेशन. इंसुलेशन में हेल्प करेगी ताकि जो हीट लॉस है उसको प्रिवेंट कर सके. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. ये आपने लिखना है, थिक स्किन एंड द लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन.
that will help them to prevent the heat loss, and the layer of fat will help them in the nutrition also. Okay, the same point that we have mentioned in the polar bears. Okay, so this point you have to complete by yourself. Help them in insulation, ठीक है, or to prevent heat loss लिख लो, heat loss from their bodies. Next write down. Okay. The layer of fat under their skin that provides them nutrition also. वैसे दोनों layers जो हैं वो insulation में भी help करती हैं. ठीक है, यू कैन राइट डाउन बोथ दीज लेयर्स, दे विल हेल्प टू प्रिवेंट द हीट लॉस, बट यहाँ पे फैट की लेयर जो है वो न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है. ओके, हाँ जी, ठीक है बेटा, चलिए. स्किन है ना उसकी, थिन स्किन है. ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. Write down, they huddle together in groups. ये हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं, कभी सिंगल नहीं मूव करते. Why? Predator से भी, और जब आप किसी के साथ ग्रुप में मूव करते हैं, you will feel more warm. ठीक है, right? So write down, they huddle together in groups to keep themselves warm. अपने आप को वार्म रखने के लिए ये हमेशा जो है वो दूसरों के साथ मूव करते हैं. ओके, ईच ग्रुप में कंप्राइज सेवरल थाउजेंड पेंगुइन्स. एक ग्रुप में बहुत सारे पेंगुइन्स हो सकते हैं. ठीक है, ईच ग्रुप में कंप्राइज several thousand penguins. They have fine layer of feathers on their body. They have fine layer of feathers. Each group comprise of several thousand penguins. हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं, और एक ग्रुप में बहुत सारे पेंगुइन्स जो हैं वो हो सकते हैं. दे हैव फाइन लेयर ऑफ फीदर्स. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव फाइन लेयर ऑफ फीदर्स. एट देयर लोअर बॉडी दे हैव फाइन लेयर्स ऑफ फीदर्स at their lower body. ठीक है, बहुत पतली सी फीदर्स की लेयर होती है उनके पैरों में और थोड़ी सी अपर बॉडी. ओके, दैट आल्सो हेल्प देम टू कीप फाइन लेयर ऑफ फीदर्स ऑन देयर लोअर बॉडी. फाइन लेयर ऑफ फीदर्स ऑन देयर लोअर बॉडी. अगेन, फीदर्स हैं तो क्या काम करेंगे? हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखिए. दे आर ऑल्सो एक्सीलेंट स्विमर्स. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो एक्सीलेंट स्विमर्स. अब इनकी स्विमिंग प्रॉपर्टी जो है वो दो चीजों पे बेस्ड है. द स्विमिंग प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स दैट दे आर हैविंग वेब्ड फीट. All of you have seen the feet of the penguins. They are webbed feet and their body is streamlined. So both these features of their body, they help them to move easily under the water. They have webbed feet and they have streamlined body that makes them excellent swimmers. Okay? They have streamlined bodies and webbed feet that makes them excellent swimmers.
स्ट्रीमलाइन बॉडी में हम इनके फीदर्स की बात करते हैं दैट आर हैविंग द फ्लिपर लाइक वाइल्स. आपने फीदर्स देखे हुए हैं ना पेंगुइन के जो ब्लैक होते हैं, दे आर फ्लिपर लाइक. ठीक है, सो दे आर फीदर्स, दे आर फ्लिपर लाइक वाइल्स. सॉरी नॉट वाइल्स, विंग्स. ऑलरेडी कोल्ड है, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स क्योंकि उनकी बॉडीली प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं. ठीक है, webbed feet and streamlined body, their feathers, they are flipper like wings that help them in the